जय माता दी। तंत्र विक्षा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। जितने नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़े हैं उन सबका भी मैं स्वागत करता हूँ। को विस्तृत रूप से बताऊंगा किस प्रकार तांत्रिक लोग अपने मंत्रों से और अपनी घातक क्रियाओं से किसी चलते फिरते व्यापार को, दुकान को बंद कर देते हैं। उसके कारण, लक्षण और उपाय आपको इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा धैर्य के साथ इस वीडियो को देखें। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ा समय निकाल कर इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप कोई दुकानदार हैं, या आपकी कोई फैक्ट्री है, या आपका कोई शोरूम है, या किसी भी तरह का कोई व्यवसाय करते हैं, तो आपने देखा होगा चलते चलते कई बार आपका व्यापार बिल्कुल ठप पड़ जाता है। और कई बार तो ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण हो जाती हैं, निर्मित हो जाती हैं कि लिए हुए कर्जे भी वापस नहीं होते, नौकर चाकर सब भाग जाते हैं, मशीनें पड़ी रहती हैं और सब कुछ बंद करने की नौबत आती है। ये तो हुई बड़ी पूंजी वाले लोगों के लिए। अब कुछ उसमें ऐसे भी होते हैं जिनके पास पूंजी बहुत कम होती है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास पूंजी नहीं होती, छोटा मोटा काम करते हैं, कई बार ये समस्याएं उनको भी आ जाती हैं। अब आपको मैं यहाँ ये चीज़ बताऊंगा कि किस प्रकार कोई तांत्रिक किसी के कारोबार को अपने मंत्र और अपनी क्रियाओं के द्वारा दूषित करके बंद कर देते हैं कि व्यक्ति जो होता है, व्यापारी जो होता है, वो बिल्कुल खत्म होने के फाइनेंशियली कगार पर आ जाता है। सबसे पहले ये समझ लो कि तांत्रिक ओझा गुनिया लोग कैसे व्यापार को बांधते हैं, कैसे आपकी दुकानदारी को बांध देते हैं। बंद होने के बाद व्यापार की हालात तो व्यापारी के जो होते हैं वो तो सबको पता ही है, लेकिन ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा व्यापार को बांधा जाता है, दुकान को बांधा जाता है, उसका निवारण, सटीक निवारण आपको बताऊंगा। यदि आपने मेरे चैनल तंत्र विक्षा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए जानकारी भरी नई वीडियो बनाने के लिए। किसी दुकान को बांधने के लिए, किसी व्यापार को ठप करने के लिए, अपनी व्यावसायिक शत्रुता या निजी शत्रुता निकालने के लिए, पारिवारिक शत्रुता निकालने के लिए, जो व्यापार को ठप करने के लिए किसी तांत्रिक से मिल करके जो दुकानदारी बंद की जाती है, वो किस प्रकार की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है दुकान की दहलीज को बांधना, फिर आता है दुकान के जो यंत्र होते हैं, मापने वाले, तोलने वाले, उनको बांध देना। उसके बाद आता है दुकानदार का, खुद दुकानदार जो गद्दी पे बैठता है उसका उच्चाटन कर देना। उसके बाद आता है दुकान चलाने वाले व्यक्ति विशेष के ऊपर बंधन लगा देना। उसके बाद आता है दुकान चलाने वाले व्यक्ति के देवता पितर को बांध देना। फिर आता है एक ऐसा कारण कि व्यापार स्थल पर, यानी कि व्यापार स्थल पर किसी ऊपरी शक्ति या साई का होना। फिर आता है कोई नकारात्मक बाधा ग्रसित, तीव्र नकारात्मक बाधा ग्रसित कोई व्यक्ति कार्यस्थल पर होना। ये सभी मुख्य घटक हो जाते हैं। ये श्राप देने वाली ऊर्जाएं होती हैं जिनका आपके कार्यस्थल, आपके व्यवसाय स्थल, आपकी दुकान, आपके कारखाने, आपकी फैक्ट्री जो होती है, उनका कोई ना कोई मीडियम होता है। क्रूअल इंटेंशन का खेल है सारा। जितना क्रूअल इंटेंशन होता है दिमाग में, किसी व्यक्ति के मन में जितना विष है, जितनी टॉक्सिटी है, उसका खेल है सारा। एक टेक्निकल बात समझिए कि किसी फैक्ट्री, शोरूम, मकान, दुकान को बंद करने के लिए नकारात्मक ऊर्जा चाहिए होती है,
वो नकारात्मक ऊर्जा किसी भी माध्यम से हो सकती है, उस नकारात्मक ऊर्जा को जहाँ से ट्रिगर होता है तो वो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे कि उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। ऐसी वस्तु संदेहित हो सकती है या आपकी खुद की भी हो सकती है। तो आगे विस्तृत बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है दुकान की दहलीज को बांध देना। देखिए मुख्यतः यही एक ऐसा प्रयोग है जो किया जाता है, दुकान की दहलीज को बांध दिया जाता है। इसमें होता यह है कि कार्यस्थल या दहलीज के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई ऐसी मांत्रिक, तांत्रिक या क्रिया की हुई चीज़, कोई तरल चीज़ आपके दहलीज के ऊपर डाल दी जाती है। अब ज़रूरी नहीं कि वो तरल हो, वो कुछ भी हो सकता है, लौंग हो सकता है, भभूत हो सकता है, इलायची हो सकती है, श्रृंगार का सामान हो सकता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको इस ऊर्जा का माध्यम बनाया जा सकता है। अपनी प्रैक्टिस में खुद मैंने ऐसे 10-15 केस देखे हैं जिनमें उन लोगों ने, जैसे उनकी दहलीज के ऊपर सामान आ गया तो खुद उठाने की कोशिश कर ली। अब खुद उठाने की कोशिश में लंबे हो गए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इतना बुरे तरीके से बीमार हुए कि उनको लोगों दूसरों से इलाज करवाना पड़ा। देखो अगर आपको कोई तरल या कोई गंदी वस्तु या संदेहित वस्तु आपके घर के आंगन प्रांगण या दर दहलीज पर मिले तो सबसे पहले इस समय ज़्यादा साहस दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। जो इस काम का जानकार व्यक्ति है उससे परामर्श लीजिए और उससे हेल्प लीजिए, उसकी हेल्प से इसको हटवाइए। खुद उठाने का इसे कष्ट ना करें। खुद यदि हटाने का उठाने का कोशिश करोगे तो किसी न किसी लंबी बीमारी के चक्कर में आ जाओगे। एक बार यदि किसी व्यक्ति के दहलीज के ऊपर कोई सामान डाल दिया जाए तो उसका प्रभाव नहीं जाता है। आप ऊपर का सामान हटा भी देंगे, जैसे किसी ने सपोज कीजिए आपकी दहलीज के ऊपर लौंग तोड़ कर फेंक दिया, ठीक है, तो दहलीज पर लौंग फेंक दिया तो आप क्या करोगे, झाड़ू से उसे बुहार दोगे। अब लौंग तो बुहार दोगे लेकिन उस लौंग का जो प्रभाव आपके, जो मांत्रिक प्रभाव आपके कार्यस्थल की दहलीज पर पड़ गया है उसे कैसे ख़त्म करेंगे। वही मुख्य बात होती है, उसको जो आदमी एक्सपर्ट रहेगा, जानकार रहेगा, वही ख़त्म करेगा। ऐसे में वह ऊर्जा अपना स्थायी स्थान जो होती है वो कैप्चर कर लेती है और वहीं पे वह ऊर्जा स्थायी रूप से रह जाती है। देखो मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं लोगों को अंधविश्वास में डालूं, लेकिन एक चीज़ वास्तविकता है, यदि किसी दूसरे व्यक्ति की टांग टूट जाए, किसी व्यक्ति की टांग टूट जाए तो उसके दर्द का एहसास उस टांग टूटने वाले व्यक्ति को होता है, दूसरे के लिए तो वो ठिठोली होती है। अंधविश्वास भी हो सकता है। अति रूपेण वैसीता अति गर्वेण रावण, हाँ हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक होती है लेकिन वास्तविकता हुआ करती है। हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं। अच्छा इसके बाद आ जाता है दुकान में तोलने नापने वाले यंत्र जो होते हैं, कई बार इसको भी बहुत तरीके से बाधित कर दिया जाता है नकारात्मक ऊर्जा से। जैसे दुकानदार नापने तोलने का काम करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ मेजरमेंट की जो भी चीज़ है, अब अगर उसके ऊपर नेगेटिविटी आ गई, ऐसी ऊर्जा वहाँ पे स्थाई बैठ गई उनके ऊपर, तो दुकानदार जैसे ही उनके संपर्क में आएगा उसका उच्चाटन हो जाएगा और उसको अरुचि हो जाएगी, दिमाग सुन्न पड़ जाएगा, काम नहीं करेगा, माप अप्रमाणित होगा, धीरे धीरे व्यापार जो है आपका घाटे में बदलना शुरू हो जाएगा। ये है दूसरा कारण। तीसरा तरीका मैं बताता हूँ जिस तरीके से तांत्रिक लोग आपकी दुकान को बांधा करते हैं। जब किसी दुकानदार या किसी के व्यवसाय को
किसी के दहलीज को डायरेक्ट उसके यंत्रों को प्रभावित करना संभव नहीं होता, तो ऐसे में तांत्रिक लोग उस दुकानदार का उच्चाटन ही कर देते हैं, कहने का अभिप्राय मुख मोड़ लगा देते हैं। एक ट्रिक बताता हूँ, क्या ट्रिक होती है। ट्रिक ये होती है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जानकार ही आपका शत्रु होता है। मेरा बात समझना, आपका कोई अंग वस्त्र है, कोई कंघा है, कोई चप्पल जूता है, या कोई भी ऐसी प्रयोग की जाने वाली कोई वस्तु है, आपके बाल हैं, नाखून है, और आपके पाँव की मिट्टी है, कौन ला के देगा? वो तांत्रिक उड़ के तो आएगा नहीं, देगा तो आपका ही अपना कोई। ऐसे में क्या होता है, इन चीज़ों को मंगवा लिया जाता है तांत्रिक द्वारा। जब मंगवाया जाता है तो इनके ऊपर क्रियाएं की जाती हैं, नेगेटिव एनर्जीज को बिठा दिया जाता है, उनको वहां स्थापित कर दिया जाता है, और आपका सामान एक दो तीन दिन के बाद आपको वापस मिल जाता है। अब वो सामान जो है वो बन गया है मीडियम। अब मीडियम जब वो बन गया है तो वहाँ से वो अपनी नेगेटिविटी छोड़ता रहेगा। उस नेगेटिविटी यानी कि आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो और आपने एक्सेप्ट कर ली नेगेटिविटी, अब नेगेटिविटी आपके ऊपर परसिस्ट रहेगी, वो आपके ऊपर हावी रहेगी, आपका धीरे धीरे उच्चाटन हो जाएगा और मुख मोड़ हो जाएगा। अब होगा क्या, आप बन जाओगे नीरो। नीरो रोम का एक राजा था नीरो, उसके विषय में जैसे कि कहावत मशहूर है कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो आपकी दुकान उजड़ती जाएगी और आपको कुछ समझ नहीं आएगा, पूंजी टूट जाएगी, आप जाओगे ही नहीं, आपका मुख मोड़ हुआ रहेगा, आपका दिल ही नहीं करेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पांचवा तरीका तांत्रिक यूज करते हैं, दुकान चलाने वाले व्यक्ति को बांध देना। जी हाँ, दुकान चलाने वाले व्यक्ति को बांध देना, वो भी जैसे मैंने पहले बताया, आपका कोई टूथब्रश हो, आपकी कंघी हो, आपके कपड़े हो, आपके जूते हो, आपकी प्रयोग की हुई या आपके बॉडी से स्पर्श की हुई किसी भी वस्तु को आपको कष्ट पहुंचाने के लिए माध्यम बनाया जा सकता है और वह कष्ट असहनीय होता है। उसके आपके धन, समय और भविष्य सब खराब हो जाता है। अब अलग एक और तरीका बताता हूँ कैसे होता है। दुकान चलाने वाले व्यक्ति के देवता पितर को बांध देना। देखो, बड़ी समझने वाली बात है, प्रत्येक मनुष्य के दो शरीर होते हैं, भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर। ये आप जो सुख सुविधा भोग रहे हो, आपके पितरों और इष्टों की आपके ऊपर कृपा है, और आपके जो कोई भी सोर्स हैं, आपको मिलने वाली प्रत्येक चीज़ जो आपको सुख सुविधा देती है, आपके पितरों और देवता के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होती है। यदि वो बंद जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप अपनी दो टाइम की रोटी नहीं जुटा पाओगे, इसीलिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। देखें, बहुत लोग तंत्र में विशेषज्ञ हैं और अपने काम करने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। इतना बड़ा पंगा जो खड़ा होता है, जो किसी के देवता को बांध देना, छोटा मोटा आदमी तो करेगा नहीं, इसको प्रैक्टिकल जो पूरा कारीगर होगा इस चीज़ में, वही इसको करेगा। क्रियाओं में यंत्र मंत्र और तंत्र द्वारा दुकान चलाने वाले देवी देव दुकान चलाने वाले व्यक्ति के देवी देवताओं और पितरों को बांध दिया जाता है। ये इसका तोड़ तभी संभव है जब बराबर आपको सामने वाले के बराबर का आपको कारीगर कोई मिल जाए। उसके बाद होता है दुकान पर किसी ऊपरी शक्ति का होना, कोई ऐसी शक्ति। अब बहुत ज़्यादा केसों में अधिकतर ये होता है कि मनुष्य अपने लालच के कारण न तो समाधियाँ तोड़नी छोड़ता है, कोई कब्र तोड़ देता है, कोई मंदिर तोड़ देता है, कोई मस्जिद तोड़ देता है, कोई भी, मतलब लालच की कोई सीमा नहीं है भाई।
अब उस पर धीरे 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 सब वो भूल जाते हैं और कोई ना कोई कार्यस्थली बन जाती है। अब जो कार्यस्थली चलाएगा फंस गया आदमी, वो फंस जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये शक्ति तो हटती नहीं है। इसको तो बहुत मनाने चलाने के बाद ही ये शक्ति हट सकती है। पहला रास्ता व्यापारी के लिए ये होता है कि आप अपना वहाँ से काम धंधा हटा लो, अपना जो साइट है वो चेंज कर लो, और दूसरा रास्ता ये होता है कि उस शक्ति के साथ आप जो है ऑफरिंग की जो है वो कर लें, कमिटमेंट कर लें। अब कोई यदि अच्छा भगत आपको मिल जाए और वो खोज ले कि कौन सी शक्ति आपको परेशान कर रही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस सैकड़ों देखे गए हैं, ऐसे में हो जाता है जब वो शक्ति को भगत पहचान ले और उससे जुबान वांचा लगा दे अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, और उससे वचनबद्ध करा ले और शक्ति मंजूर कर ले कि हाँ चलो मुझे भोग दे देना और मैं आपके काम में कोई बाधा नहीं करूँगी, तो फिर यहाँ काम चलने की संभावना हो जाती है। अब इसके बाद एक और तरीका होता है, एक और कारण बन जाता है जो कि विचारणीय है। यदि आपके कार्यस्थल में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है या कोई कार्य करता है या कोई ऐसा तांत्रिक या बुरी शक्तियों वाला कोई व्यक्ति वहाँ पे रहता है या किसी को किसी ऊपरी शक्ति की बाधा है या किसी पैशाचिक बाधा है, प्रेत बाधा है, किसी को ऐसा है कि तीव्र नकारात्मक बाधा से प्रभावित व्यक्ति अगर आपके कार्यस्थल पर रहता है, उससे भी हो जाता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो काम धंधा सब चौपट हो जाता है। एक कारण और आता है, तांत्रिक कई बार अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके, अपनी सिद्धियों और क्रियाओं का प्रयोग करके सीधा सीधा कई बार जिन, खबीस या मसाण वगैरह, भूत वगैरह ऐसी चीज़ें भी भेज देते हैं, लेकिन वो बहुत कम देखा गया है। ऐसों में क्या होता है कि ड्रॉअर में रखे रखे कैश गायब होना शुरू हो जाता है। ये जो काम करने वाली जनरेशन थी धीरे धीरे कम हो गई है, ख़त्म तो नहीं हुई, कम हो गई है। अब देखें, अब इसके निदान की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमने प्रॉब्लम्स तो देख ली क्या है। देखें, जब भी आपको अपनी प्रॉब्लम का सही से पता होगा तो उसका हल भी कोई ना कोई निकल आएगा। तो बहुत लंबी हो गई है, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, अब निदान की तरफ जा रहा हूँ मैं। कि अधिक जानकारी के लिए ब्लॉगस्पॉट पर चले जाइएगा, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है वीडियो का डिटेल बॉक्स में, वहाँ से ले लीजिएगा। लेकिन वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जो डिटेल बॉक्स में आपको ब्लॉग में नहीं मिलेगा वो मैंने यहाँ डाला है। देखो, मैंने आपको 100% व्यवहारिक बात की है, ठीक है। यदि आप में कुछ कमियाँ हैं, आप अपने कार्य की तरफ ध्यान नहीं देते, आप काम कुछ और कर रहे हैं, आपका फोकस मेंटल कहीं और है, या प्रॉपर टाइमिंग नहीं दे पा रहे, या कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं कर रहे, या अपनी चीज़ें यानी कि अपने मन में आई हुई चीज़ें उठा उठा कस्टमर को दे देते हो, वो आपसे मिर्ची मांग रहा है, आप उसे दाल उठा के दे रहे हो, तो फिर वो दुकानदारी नहीं चलती है। मैं आपको एक ऐसा साबर मंत्र बताने जा रहा हूँ जिस पर सभी साधक आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और ये इतना ज़बरदस्त मंत्र है कि ये काम को खोल देता है और किसी भी मांत्रिक प्रभाव को ये हटा देता है। इसको सिद्ध करना बहुत आसान है। किसी भी होली दीपावली पर अगर आपके पास समय हो तो 108 माला कर लें, यानी कि 10-11 हजार की संख्या इसकी पार कर ले। काम तो यह करेगा, अगर आप 10 माला भी कर लेते हो तब भी काम करेगा, लेकिन अगर आप मतलब ऐसे रिजल्ट लेने चाहते हो कि इधर से चुटकी मारी उधर से काम हुआ और काम कभी फेल ना हो, तो आप मंत्र के लिए समय
दीजिए, साधना के लिए समय दीजिए। आगे चंद्र या सूर्य ग्रहण तो चला गया, अब चंद्र ग्रहण आपको मंगलवार को 8 नवंबर 2022 को, अब जो है वो चंद्र ग्रहण है शाम को 5:33 से लेके 7:26 तक, उसमें बैठिए ना, कीजिए 11 माला, देखिए प्रभाव इसका। देखो मंत्र तो ये सिद्ध है, ऐसा सभी लोग बोलते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पे टेक्निकली आपको बताता हूँ, आपकी आत्मिक शक्ति और मंत्र की शक्ति की ट्यूनिंग करनी पड़ती है। इसीलिए जब जब आप इसका लगातार जाप करते हो, एक तो आप इसको बोलने में, धारा प्रवाह बोलने में मंत्र को सक्षम हो जाओगे, एक आपको मंत्र याद हो जाएगा, तीसरा ये मंत्र आपका अगर कहीं कोई कमी भी है उसका वो पूरा हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा पूरी तरह से। इसके बाद आप अपना नहीं, किसी के भी दुकान के ऊपर पड़ा हुआ जो बंधन है उसे खोल सकते हो। मंत्र नोट कर लें, मंत्र चिर परिचित है सभी लोग, मंत्र मैं आपको बताता हूँ, ओम नमो आदेश गुरु को, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर सोखे कर जाए, शब्द साचा पिंड कांचा, चलो मंत्र ईश्वाचा। ये मंत्र है, इस मंत्र को जब आप सिद्ध कर लें, जब प्रयोग करना हो, यदि कोई दुकानदारी बंद हो गई है तो आपको क्या करना है, एक मुट्ठी साबुत उर्दी की दाल लेनी है, यानी कि साबुत उर्दी लेनी है आपको, और 108 मंत्र से जाप करके अभिमंत्रित कर देना है। और जब तक आप इस क्रिया को करें, आपके सामने धूप दीप चलता रहना चाहिए, आप जमीन पर बैठोगे पूर्वाभिमुख होकर, सामने यदि गूगल की धुनी चले तो अच्छी बात है, या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाके इसको तैयार कर सकते हो आप। इसकी प्रयोग की विधि ये है कि जब शनिवार हो, शनिवार को जब आप कार्यस्थली बंद करने लगें, शटर गिराने या गेट बंद करने लगें, उससे पहले जब सभी लोग निकल जाएं वहाँ से, वहाँ अंदर कोई ना हो, तो आपने एक मुट्ठी उर्दी लेकर अभिमंत्रित मंत्र द्वारा सिद्ध की हुई उर्दी लेकर के कार्यस्थली पर आपने बिखेर देनी है। और दूसरे दिन यानी रविवार को आपने प्रातःकाल बहुत अधिक भोर में जल्दी जाकर उसे खोलना है, और आपने झाड़ू लगाकर उसे बुहार देना है। तो वो जो उर्दी बुहार कर आप इकट्ठी करोगे ना, उसे एक पोटली, एक छोटा सा कपड़ा लेना है काले रंग का टुकड़ा, और उसमें इकट्ठा करना है, उसमें कुछ लोहे का सामान डाल दो, या कील डाल दो, या कोई वाशल वगैरह या नट वगैरह डाल दो, और उसे डालने के उपरांत उसमें एक नींबू डालना है, साबुत नींबू, हरा मिले तो बहुत अच्छा है, नींबू डालकर आपने, और मंत्र आपका जाप चलता रहेगा। जैसे सुबह आप क्रिया करोगे, झाड़ू वगैरह लगाए, सारा कुछ करके, तो मंत्र आपका मन ही मन चलता रहेगा, क्रिया होती रहेगी। आपने उसको गांठ लगा देना है, जब आप गांठ लगा दो इसे, तो आप चुपचाप ले जाकर किसी सुनसान जगह या किसी चौराहे पर इसे फेंक कर चुपचाप वापस आ जाएं, और आपने ना तो पीछे मुड़ के देखना है, ना आपने किसी से बात करनी है, बोलना है, और ना ही आपको कोई ये काम करते हुए टोके। इतना करने से ये पोटली जब आप फेंक आओगे वहाँ पे, चौराहे पे या निर्जन स्थान पे, तो आपकी दुकान जो है वो खुल जाएगी। पहले ही दिन से आपको बिक्री में अंतर नजर आने लग जाएगा। 3 शनिवार करने से आपको पूरा प्रभाव दिख जाएगा इसका। बंधी हुई मंत्र द्वारा बंधी हुई दुकान को खोलने की मैंने आपको पूरी विधि बता दी इस वीडियो आर्टिकल के माध्यम से। मैं आपको इस प्रयोग के सफल होने का आशीर्वाद देता हूँ। हाँ, आप जब इस प्रयोग को सफलतापूर्वक कर लें और आपका कार्य सिद्ध हो, किसी की दुकान खोलो आप, तो आप 1.25 किलो लड्डू हनुमान जी को जरूर चढ़ा दीजिएगा। मैंने अपनी समझ से जो मुझे मालूम था, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता सकता हूँ, वो कोशिश की आपको बताने की। और यदि किसी के
बच्चों का भरण पोषण इससे होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपका कल्याण हो। जय माता दी।